जबरदस्त तरीके से लग रहा है और पूरा का पूरा जबरदस्त एग्जाम जो है लग रहा है। एग्जाम 2023 में जो है फिजिक्स एकदम जो है जोरदार तरीका से जो है एकदम लड़ा है और इस तरीका से जो लड़ा है जिससे जो है जिस हमारा जो उम्मीद था उस उम्मीद से ज्यादा जो है एग्जाम में आया है। इसीलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 2023 का फिजिक्स, हम आकाश सिंह राणा के द्वारा जो है इसमें हम जो है मिलाएंगे। तो कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 5 एम्पियर 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली किसके द्वारा स्वप्रेरकत्व, तो 1.67 द्वारा इसके द्वारा जो है मार दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाबू, फिर कहता है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा हाइगेंस के द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे तीसरा के देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है तो किसके द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति में, ये ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा 3 का D हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है, तो किसका तरंगदैर्ध्य होता है, लाल का तरंगदैर्ध्य क्या होता है अधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे केवल संधारित्र युक्त युक्ति परावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कलांतर क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो गामा किरणें का न्यूनतम होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है किसके द्वारा, फोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा बना होता है। बोलेगा प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है किसके बराबर होता है, 9.46 के पावर 8 मीटर इसके बराबर होता है, एक मिनट 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर इसके बराबर होता है। इसको देखेंगे विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होता है, के समान नहीं होता है, के समान नहीं होता है, तो 9 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का द्विआधारी आपको निकालने के लिए बताया गया है, जो आंसर के तहत कितना होगा इसका, सी होगा। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्त काल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी और चालक का तापमान गुणांक का मान होता है क्या, ऋणात्मक होता है। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है क्या होता है, शून्य होता है। एकदम ठीक ढंग से जो एकदम लड़ा है। परावैद्युतांक का एसआई मात्र क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका वैल्यू तो इसके बराबर होगा। वांडेग्राफ जनित्र में ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होते हैं तो केवल उच्च वोल्टेज। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या? वैद्युत क्षेत्र। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, किसके बराबर होता है? इसका यह होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या? अमंदित। निकेल है, क्या? लौह चुंबकीय। एकदम ठीक ढंग से जो है बनाया गया है और एग्जाम में आपको ठीक ढंग से आया भी है, आप लोग देख सकते हैं इसको किस ढंग से जो है आया है। कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्या? क्षेत्र की शक्ति होती है, आवेश की प्रवृत्ति होती है, दिशा होती है, इनमें से सभी होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्या? इनमें से सभी। क्षेत्र की शक्ति, आवेश की प्रवृत्ति, दिशा, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। और ज्यादातर अगर चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। एक मिनट बाबू, इसको जो है ये नहीं होगा, बुला हो जाएगा। दिशा होती है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, क्या? एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का वर्तमान कितना है? तो इसको लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी। अगर बनाएगा तो इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। चुंबकीय यामयोत्तर एवं भौगोलिक यामयोत्तर के बीच कोण कहलाता है, तो क्या कहते हैं? दिक्पाल। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, न्यूट्रॉनों की गति मंद करना, ये हो जाएगा। एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो संवेग। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इस तरह से दिया गया है, तो धारा के मूल माध्यमन का वर्ग का मान हो सकता है। तो अगर इसमें चलेंगे तो इसका जो वैल्यू है इसमें, इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके तहत क्या है? गलत है। इसको अगर लिखेंगे तो या तो इसका वैल्यू 30√2 होगा, या इसको 60√2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है क्या है? गलत है। छह माइक्रोफैराड धारिता के तीन संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? तो इतना के बराबर होगा, सी हो जाएगा इसका। डायोड उपयोग किया जाता है,
किसमें दिष्टकारी के तरह कार्य करता है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। एलसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एलसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है इसके बराबर, आप लोगों को सब बता दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है शून्य। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण इसके इतना के जो है वैल्यू के बराबर होगा, बना सकते हैं। एक चोक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है तो इससे बहती धारा इस तरह से दिया गया है, तो चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल -10 वोल्ट होगा। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो गामा किरण की। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ती है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्चताप, अर्धचालक, उच्च दाब, संख्या परिवर्तन। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रवृत्ति पर। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो इसका वैल्यू यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होते हैं, तो इसका वैल्यू यहां पर हो जाएगा। एक रेडियो समस्थानिक इस तरह से दिया गया है, अर्धचालक आयु 5 दिन है तो 20 दिनों के बाद के लिए बनाएंगे तो 1/16 आएगा। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, ध्रुवन की क्रिया बताता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था स्थिति में रहे, तो कितना आ जाएगा π/2। उसके बाद देखेंगे दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा, इसका वैल्यू यहां पर है। ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई होती है वोल्ट, एम्पियर, ओम, इनमें से कोई नहीं होगा। किसका प्रतीक है, तो डायोड का ही प्रतीक है। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, निकोल प्रिज्म। व्यक्तिकरण की घटना का कारण है तीव्रता परिवर्तन, इसको बनाएगा तो इसको ऑप्शन ही आएगा, बनाया गया है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन, इसको दिया गया तो इसका सूत्र भी हो जाएगा 48 का। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है,
निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? इसका द्वितीय क्षेत्र तीव्रता। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने वाले नियम कहा जाता है कूलॉम का नियम। आवृत्ति की तरंग प्राय कैसे संरचित होती है? इस तरह से, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा है द्वार है? तो इसका नॉन नेगेटिव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, इसका ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, इसका बी हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए जाती है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट सकती है या बढ़ सकती है? घट सकती है या बढ़ सकती है? इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन घटती है लिखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन भी है। व्यूहमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? क्या मापते हैं? व्यूहांतर। क्लियर है, आपको क्लास में बताया गया है सब। इसको अगर बनाइएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। पूर्णांतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा किसके बराबर? वन। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? समान रहेगी, याद रखना है, इसको बता दिया गया है सब बात। इसको अगर बनाएगा तो इसका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगी? कमेगी। प्रपथ के अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर का मान शून्य रहेगा। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होगा काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? इसका वैल्यू यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां तक बाबू आप लोग का जो है समाप्त होता है। आपको हर तरीके से जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को जो है इस वीडियो को के बारे में जानकारी दीजिए। तो इतना ही आपको बताया गया है 2023 के लिए बताया गया है और इस ढंग से आपको एग्जाम में पूछा गया था और यहां पर आपको जबरदस्त तरीके से जो है एग्जाम में आया है, लड़ा है, जिससे आप सभी लोगों को जो है इस प्रेरणा के लिए जो है सभी बच्चों को जो है बताना भी है, जिससे आप हम लोगों को जो है पूरे चैनल को जो है एकदम यूनिटी मिले, एकदम जो है हर तरीके से जानकारी मिले। और शेयर कीजिए जोरदार, जिससे जो है पूरा एकदम फैले वीडियो। ठीक है, थैंक यू।